हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की AIIB एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए LLB में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन 3 ईयर्स और 5 ईयर्स LLB टू अपेयर इन द AIIB एग्ज़ाम। तो आप लोगों की मिनिमम परसेंटेज कितने रिक्वायर्ड होती है ग्रेजुएशन में, जब आप अपनी LLB या फिर BA LLB की डिग्री कर रहे होते हो तो, और AIIB एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो ये है, देर इज़ नो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स दैट कैंडिडेट्स नीड्स टू सिक्योर इन द ग्रेजुएशन और क्वालिफाइंग एग्जाम टू टेक द AIIB एग्जाम। दैट बींग सैड, द कैंडिडेट डज नॉट नीड टू सिक्योर द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन द ग्रेजुएशन एग्जाम और मीट एनी अदर रिक्वायरमेंट दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की हुई है कि कोई भी मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस एग्ज़ाम के लिए टू टेक द AIIB एग्ज़ाम। दैट बींग सेट द कैंडिडेट डज नॉट टू सिक्योर दैट मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन द ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, यहाँ पर कोई भी मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जब आप अपनी BA LLB या फिर LLB की डिग्री कर रहे होते हो तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन द लास्ट जो है आप लोगों का प्रॉपर जो है यूनिवर्सिटी वालों ने आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया हो, यानी कि जिसे हम डिग्री बोलते हैं प्रॉपर, कि हाँ आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर ली है इस यूनिवर्सिटी से, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने स्टडी की थी अपनी LLB या फिर BA LLB की, तो ही आप जो है AIIB एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ इस एग्ज़ाम के लिए कोई कट ऑफ लगती है कि आप लोगों के ग्रेजुएशन में जो है 90% आने चाहिए, 80 आने चाहिए, 70 आने चाहिए। बट हाँ, इतना होना चाहिए कि आप मतलब आपने अपनी डिग्री ले ली हो और आप पास हो। ठीक है, इतना चलता है यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए। कोई और अदर मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए या नहीं। बट हाँ, वो चीज़ क्या होती है, आप लोगों की CV के लिए बहुत काम आते हैं, यानी कि आपकी CV जो है, मतलब आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहते हो फर्दर, तो आप लोगों की CV जो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आगे बहुत काम आती हैं चीज़ें। बट AIIB एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं है। AIIB एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को सिर्फ मिनिमम, यानी कि जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर प्रिस्क्राइब करती है कि इतने मार्क्स आप लोगों को लाने हैं, तो वो वहाँ पर आप लोगों को लाने पड़ते हैं। बट हाँ, AIIB एग्ज़ाम के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोगों को 80, 70, 60, 80 ऐसे लाने हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, आप लोग जो हैं अपनी यूनिवर्सिटी से पास आउट होने चाहिए, और जो है मतलब ऐसा नहीं है कि आप सपोज़ कीजिए आप लोग जो है 5th ईयर में हैं एंड एग्ज़ाम भी हो गए आपके और आपका रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में आप लोग जो हैं फेल हैं और फिर आप जो है AIIB एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो चीज़ जो है आप लोग जो है AIIB एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हो। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि मतलब ऐसे मार्क्स आप लोगों को लाने हो कि आप पास हो वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स हैं वहाँ पर 33, यानी कि मतलब 50%, 40%, जिस भी मतलब जो भी है। बट हाँ, आप लोगों को डिग्री मिलनी चाहिए जब भी आप जो है AIIB का एग्ज़ाम दे पाओगे, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों का मिस है, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है वरना एग्ज़ाम के टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी AIIB 17 की कोई भी डेट नहीं आई है एग्ज़ाम की, तो जैसे ही आ जाएगी आप लोगों को एक अलग से सेपरेट वीडियो इसके लिए मिल जाएगी। तो गाइस, होप सो आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।